अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाह अलैक अज़ीमा। ये प्यारे महबूब, हमने आपको इतना इल्म दिया कि जो कुछ आप नहीं जानते थे सबका इल्म हमने आपको दे दिया, सब इल्म हमने आपको अता किया। तो इतना जबरदस्त कि जो नहीं जानते थे, मंतिक नहीं जानते थे, फलसफा नहीं जानते थे, टिप और डॉक्टरी नहीं जानते थे, मिनिस्ट्री कैसे चलेगी, ये वो सब ऐसे कितने उलूम हैं, है? सारे उलूम जो आप नहीं जानते थे सब हमने आपको अदा कर दिए। यहाँ तक के जो इल्म अभी तक ईजाद भी नहीं हो सके वो भी हमको ने आपको अदा कर दिया, सब अदा कर दिया। तो अब उसके लिए अक्ल कैसी चाहिए आप समझ सकते हो। मगर वहाबी लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अमीन आए और वही लेकर आए और कहा इकरा पढ़िए, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया मा अना बिकारिन, मैं लिखना पढ़ना जानता ही नहीं। समझ में आई बात? तो अब ये इनकी गलती है, ये गलती है इसलिए कि ये इसका माना वो है ही नहीं। समझ में आई बात कि मैं ये माना सही नहीं, माना ये है कि गारे हिरा में रसूल पाक इबादत में मुस्तगरक थे, आए और उन्होंने हुजूर से कहा पढ़िए, जो मैं पढ़ता हूँ वो पढ़िए, तो फरमाया माना बेखाली, मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरी इबादत में खलल डालते हो, मैं नहीं पढ़ूंगा। ये माना है मैं पढ़ना नहीं जानता। अगर कहना ये सही भी हो तो क्या कोई वो किताब या पर्चा लेकर आए थे कि ये पढ़िए? कुरान मजीद पूरा का पूरा इस तरह उतरा है कि फरिश्ते इंसानी शक्ल में या किसी भी अंदाज में वो आते पढ़ते थे और रसूल पाक फिर उसको दोहरा देते थे। यहाँ तक कि बुखारी शरीफ की कि बिल्कुल शुरू में दूसरी हदीस ये है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हारिथ इब्ने हिशाम, ये अबू जहल के भाई हैं, हारिथ इब्ने हिशाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। ये हारिस इब्ने हिशाम फतेह मक्का के दिन मुसलमान हुए थे, इस्लाम कबूल किया और बहुत पक्के मुसलमान हुए। उन्होंने अर्ज की कैफ यअती कल वहयो, कुरान मजीद की वही आप पर किस तरह उतरती है? तो सरकार ने उसके दो तरीके बताए। फरमाते हैं रब्बमा यातीनी मिस्ल सलसलतिल जरसी वहुआ अशद्दुहु अलैया فيفصم عني وقد وعيت عنه। फरमाया सरकार ने बसा औकात इस तरह से आती है जैसे कि घंटे पर मूसल मारा जाए तो उसके बाद करके कुछ देर तक आवाज आती है, उसी झंझनाहट की तरह
वही की किराअत फरिश्ता करता है। जैसे शायर लोग अपनी नाक से कुछ अशआर गुनगुनाते करते हैं, तो ये क्या उन्होंने गुनगुनाया वो शायर ही जाने, मगर रसूले पाक फरमाते हैं कि ये घंटी की झंझनाहट की तरह वो वही उतरती है, और मेरे लिए उस वही को समझना याद करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, मगर जैसे ही वो वही खत्म होती है मैं उसको याद करके फारिग रहता हूँ। तो आपका इल्म कैसा था? इकरा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। रसूल पाक सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूल पाक सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके बाद कि रुब्बमा यतमस्सलु लियल मलक रजुलन फयुकल्लिमुनी फअअी मा यकूल। फरमाते हैं कि कभी कभी फरिश्ता आदमी की शक्ल में आकर मेरे पास पढ़ता है, और जो पढ़ता जाता है अब मैं याद करता जाता हूँ, और फजुस्तमानी फाही मा यकूल, वो वही खत्म हुई और मैं याद कर चुका हूँ, मैं याद कर चुका हूँ। तो इस तरीके से जरा सोचो, हम अपने बच्चों को कुरान मजीद क्या कादे बगदादी पढ़ाते हैं तो एक मर्तबा नहीं 10 मर्तबा उसको कहते हैं अलिफ 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 अलिफ, तब जा करके उसको अलिफ याद होता है। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो क़िराअत न समझ के काबिल हो या इंसान की समझ के काबिल हो, दोनों क़िराअतें रसूल पाक इधर क़िराअत होती जाती है पढ़ते चले जाते हैं। और उसी बुखारी शरीफ में 5वें नंबर पर जो हदीस है उसमें सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जिब्रील अमीन वही लेकर आते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लबों को हरकत देना शुरू कर देते, वो पढ़ते जाते और रसूल पाक भी उनके साथ ही साथ बिल्कुल बराबर बराबर पढ़ते चले जाते। ऐसा मालूम होता है कि वही पहले ही उतर चुकी है और रसूल पाक साथ साथ पढ़ रहे हैं। जरा दो शायर के इस तरह पर कि एक को याद हो और दूसरे को याद ना हो, दोनों एक साथ पढ़ें, यह आसान काम है। एक जब एक मिथरा वो पढ़ लेगा तब उसके बाद ये उसमें लौ मिलाए लय मिलाएगा। मगर आकाए कायनात की शान ये थी कि जिब्रील अमीन पढ़ते जाते साथ साथ रसूल पाक भी पढ़ते चले जाते बिल्कुल साथ साथ। और वकारा युआलिजु शिद्दत तकदीर, और वही नाजिल होने का कुरान की वही नाजिल होने की वजह से रसूल पाक सख्त मेहनत और शिद्दत को बर्दाश्त करते थे, झेलते थे।
तो अल्लाह ताला ने आप पर आयत नाजिल फरमाई, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितहजल बिह इन्नज अलैना जमअहु व कुरआना फइज़ा क़रअना फत्तबि' कुरआना। जब जिब्रील अमीन कुरान की तिलावत करें तो आप अपनी जुबान को हरकत ना दें, जुबान मुबारक बिल्कुल पुरसुकून रखें, हरकत ना दें। आप इतनी मेहनत क्यों झेलते हैं? वही का बोझ तो अपनी जगह, उस पर एक और बोझ के पूरी तवज्जो एक तरफ समेट कर रखा जाए। ये करते हैं, इतनी मेहनत बर्दाश्त करते हैं, ऐसा न करें। ला तो हर्जिक भी इंसान का लिता जला भी कुरान को जल्द से जल्द याद करने के लिए आप अपनी जुबान को हरकत न दिया करें, नुज़ूल वही और क़िरात जिब्रील के साथ साथ। तो जब फ़इदा क़रअना हो फत्तबे कुरआन, जब हमारी क़िरात जिब्रील की जुबान से अदा हो, उस वक्त आप गौर से सुने और वह अनसित और चुप रहे। इन अलैना जमअहु व कुरआना, हमारी जिम्मेदारी है हम आपके सीने में उसको महफूज कर देंगे और आपके पढ़वा लेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल